विशाल दौलतकर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खड़क गली, भड़कल गली, घी गली, चांदू गली, दरबार गली, खड़े बाजार और जलगर गली, इन जगहों का नाम छोटा कश्मीर रख देना चाहिए, क्योंकि जैसे कश्मीर में जवानों पर पत्थर फेंके जाते हैं, वैसे ही यहां पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की हिफाजत नहीं हो रही है तो हम जैसे सामान्य लोगों की हिफाजत क्या होगी। दंगे करने वाले किसी भी धर्म के हों, इन पर ताड़ा मकोका जैसे कायदे लगाए जाएं। बेलगाम में जो खड़क गली, खंजर गली, भड़कल गली, घी गली, इधर हमेशा के लिए झगड़ा होता ही है, उधर पत्थर फेंके जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इन गलियों को, एक गली का नाम निकाल देना और उधर लिटिल कश्मीर रख देना। क्यों बोलो तो कश्मीर में जैसे हमारे जवान है, इसीलिए हम इधर सुरक्षित है। उधर जवानों पे पत्थर किया जाता है, उनको लातों से मारा जाता है। वैसे सेम इधर अभी बेलगाम में भी पुलिसों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिसों की गाड़ी जला जा रही है। अगर लास्ट टाइम बी दयानंद, इन पर पत्थरबाजी की गई वो गांधीनगर में उधर, और बाद में महीना डेढ़ महीने पहले जो हमारे आदरणीय कृष्णा भट्ट साहब वो रिटायर हो गए, उन पर महीना डेढ़ महीने पहले उन पर भी पत्थरबाजी हो गई। अरे अभी तो कमाल ही हो गया, चार सीपीआई है, एक कांस्टेबल, इन पर पत्थर मार के उनको घायल किया गया, उनको गाड़ी उनको जलाया गया। अगर बेलगाम में अभी पूजा करना भी बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से शायद, अगर ऐसा ही चलते रहा। ये कांस्टेबल पुलिस अधिकारियों की जान की हिफाजत अभी बराबर नहीं है तो हमारे से सामान्य लोगों की क्या हिफाजत होगी। इसीलिए कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट रामा हसन्नावर और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट मैं विशाल दौलतकर और मेरे सब सहयोगी ह्यूमन राइट्स के, इनके तरफ से हम डीसी साहब को निवेदन आए कि ये जो लोग हैं, जो कौन से भी जाति धर्म के रहेंदे, ये लोगों को पकड़ के इन पे 10 बरस पहले टाड़ा और मोका जैसे कायदे थे वो लागू किए, और जो गुनाह करते हैं उन पे वो टाड़ा और मोका कायदा चला लगाइए।